हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ब्लू पिट वाइपर के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग ब्लू पिट वाइपर के बारे में। दोस्तों, प्रकृति कभी भी हमें मंत्रमुग्ध करने में असफल नहीं होती। एक लाल गुलाब के चारों ओर एक नीले सांप का वीडियो देखकर आप भी यही सोचेंगे। ब्लू पिट वाइपर की एक दुर्लभ नीली किस्म है। यह प्रजाति इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर में पाई जाती है। इस ब्लू पिट वाइपर को देखकर यही कह सकते हैं कि देखो लेकिन छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि सांप ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ करना चाहेंगे। क्योंकि यह ब्लू पिट वाइपर देखने में बेहद सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन यह उतने ही खतरनाक शिकारी होते हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं और जहरीले भी होते हैं। उनके पास विष ग्रंथि होती है जो कि दर्द, सूजन, मांस को गलाना और गंभीर रक्तस्राव आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पैदा कर सकता है। एक बार जब यह विष अपना काम कर लेता है तो यह ब्लू पिट वाइपर अपने भोजन को खाने के लिए नुकीले दांतों का उपयोग करते हैं। जो भी हो, इस वीडियो में गुलाब के ऊपर बैठा यह ब्लू पिट वाइपर बहुत सुंदर लग रहा है, जो कि हमें एक संदेश भी देता है कि कुछ सुंदर चीजें बहुत खतरनाक भी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन ब्लू पिट वाइपर के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।